क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताया गया हुआ है कि आपके पास एक 12 × 10^12 फेरेड का कैपेसिटेंस है और 50 वोल्ट का वोल्टेज है. आपको पता करना है एनर्जी. तो हम जानते हैं U = ½ CV² वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका इजीली 15 × 10^-9 जूल. एंड द क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 600 pF, वोल्टेज लगाया हुआ है 200 वोल्ट, तो आपको इसकी एनर्जी फाइंड करनी है. अब इसके बाद इसी सिस्टम में आप एक अनचार्ज 600 pF का कैपेसिटर और लाते हैं और वोल्टेज को आप हटा देते हैं, तो आप देख आपको बताना है डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है. तो आपको उसके बाद बताना है कि जो एनर्जी आएगी तो एनर्जी कितना चेंज होगा. तो सबसे पहले हम निकालेंगे C = V = तो U = हमारा आ गया 12 × 10^-6 जूल, कोई दिक्कत नहीं. अब क्या कर दिया क्वेश्चन में, ना V इज डिसकनेक्टेड और दूसरा C लेके आए, तो दूसरा C कैसे होगा आपका, उसके सीरीज में होगा. तो हमारे पास नया टोटल C कितना आ गया सिस्टम का, 1/C + 1/C = C/2 = 300 pF. तो हमारे पास सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना हो गया 300 pF. तो U2 = कितना आ जाएगा, दिस वन C की वैल्यू पर चेंज होगी, बाकी तो V की वैल्यू वही चेंज रही वही रही. तो टोटल चेंज इन एनर्जी कितना आया, ΔU = U1 - U2, तो 12 × 10^-6 - 6 × 10^-6 = 6 × 10^-6 जूल.